चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारा आज का टॉपिक है कोलैबोरेटर जीन्स। व्हाट आर द कोलैबोरेटर जीन्स? इसके पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स देख रखा है, मल्टीपल एलॉरिज्म देख रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलैबोरेटर जीन्स। व्हाट आर द कोलैबोरेटर जीन्स? कोलैबोरेटर जीन्स आर द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम क्रोमोजोम और डिफरेंट क्रोमोजोम, बट दे इंडिपेंडेंटली शो इट्स कैरेक्टर, दैट आर नोन एज कोलैबोरेटर जीन्स। एज फॉर एग्जाम्पल, the genes which are present on the different loci of the same chromosome or different chromosome इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम क्रोमोजोम और डिफरेंट क्रोमोजोम, बट दे शो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। इसके पहले वाले टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, लोकाई मैंने बता दिया था आपको, इसके इस प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है आपको लोकाई। लोकस इज द पोजीशन ऑफ एन एलील ऑन द क्रोमोजोम सच एज टी, दिस इज द लोकस ऑफ द एलील टी। दैट मीन्स लोकस मीन्स the position of an allele, position of a gene on the chromosome, that is called its locus. Comb-color, what is comb-color? As for example, red, gene P for pea color, and the gene R for rose type, rose color. Both the genes are in dominant form. देखो आप, दोनों जो genes हैं वो independent characters show करते हैं। जैसे मैंने लिया capital P for pea color and capital R for rose color. जो दोनों जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर शो करेंगे, दैट मीन्स बोथ द जीन्स आर इन डोमिनेंट फॉर्म। जो दोनों जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, कैपिटल पी पी कलर एंड कैपिटल आर रोज टाइप। द अदर एलील मे बी इन डोमिनेंट फॉर्म और मे बी इन रिसेसिव फॉर्म सच एज both the genes express pea color. Both the genes here express rose color. The other allele may be in dominant form or recessive form. If both the genes are in dominant form together, this is walnut type. Walnut
is dominant law of experiment. पेरेंट्स हम लोग पेरेंट्स लेते हैं. डोमिनेंट फॉर्म में पी टाइप को आपको एक्सप्रेस करना है. पी ओ फॉर्म में आप ले सकते हो. ये पी टाइप पी कलर. रोज टाइप रोज कलर. व्हाट आर द गैमेट्स? फोर गैमेट्स आर फॉर्म्ड. चार गैमेट बनेंगे लेकिन सभी के सभी इस तरह के होंगे. कैपिटल पी एंड अ स्मॉल आर. यहां भी फोर गैमेट्स, अ स्मॉल पी कैपिटल आर. यहां भी फोर गैमेट्स होंगे और सबके सब जो है स्मॉल पी और कैपिटल आर के फॉर्म में होंगे. इन एवरेज जनरेशन, इन एवरेज जनरेशन 16 ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल आर कैपिटल पी अ स्मॉल पी कैपिटल आर अ स्मॉल आर. दैट मीन्स 16 ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑल इन वॉलनट टाइप. वॉलनट टाइप फॉर एफ टू जेनरेशन. एफ वन इज इन सेल्फिंग. एफ टू जेनरेशन निकालने के लिए हम लोग एफ वन में सेल्फिंग करेंगे. पेरेंट्स एफ वन जेनरेशन वाले पेरेंट्स इस तरह. अब आप गैमेट्स फॉर्मेशन कर सकते हो. कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? पुनेट स्क्वायर ड्रा करके लिख लेते हैं. ड्रॉ करो पुनेट स्क्वायर जिसको आप चेकर बोर्ड भी बोलते हो. फोर गैमेट्स कैपिटल पी कैपिटल आर. कैपिटल पी अ स्मॉल आर. अ स्मॉल पी कैपिटल आर. अ स्मॉल पी अ स्मॉल आर. फोर गैमेट्स ऑफ फॉर्म. मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स. यहां भी इसी तरह से होगा. आप देख सकते हो यहां कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर कैपिटल आर. कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर. कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर. ये देखो ये वॉलनट कलर. ये भी वॉलनट बिकॉज बोथ द जीन्स आर इन डोमिनेंट कंडीशन. वॉलनट वॉलनट वॉलनट
this is P type, because here only capital P is in dominant form and R in rose type is in recessive form. So P color, walnut, both the genes are in dominant form. P type, walnut, rose type, because P is in recessive form, P type is in recessive form, R is in dominant form, rose type, walnut, P type, rose type, and single. What is the F2 generation? 16 offspring are formed. What is the phenotypic ratio? How many walnuts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 walnut, 3 pea, 3 oj, and 1 single. This is the phenotypic ratio of collaborator genes. 9:3:3:1. This ratio is also found in dihybrid cross. हमने क्या देखा कि जो कैपिटल पी और स्मॉल आर, कैपिटल पी और कैपिटल आर, ये जो जीन्स हैं, जो कैपिटल पी है वो भी अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो किया पी टाइप, एंड जो कैपिटल आर था उसने भी अपना कैरेक्टर शो किया रोज टाइप. और यदि दोनों डोमिनेंट जीन्स एक साथ लिए गए तो उससे एक नया टाइप का फॉर्मेशन हुआ, न्यू टाइप का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आपने वॉलनट कहा. दैट मीन्स इन कोलैबोरेटर जीन्स बोथ द जीन्स पी एंड आर एक्सप्रेसेड इट्स इंडिपेंडेंट कैरेक्टर. दोनों जो जीन्स थे उन्होंने अपना अलग अलग एक्सप्रेशन दिया. पी ने अपने पी टाइप को एक्सप्रेस किया और आर ने अपने रोज टाइप को एक्सप्रेस किया. कोई भी जीन रिसेसिव फॉर्म में नहीं रहा. दिस इज नोन एज कोलैबोरेटर जीन्स. अब हम लोग डुप्लीकेटिंग जीन्स डिस्कस करेंगे. क्या है डुप्लीकेटिंग जीन्स? डुप्लीकेटिंग जीन्स आर द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन different loci of the same chromosome or different chromosome different loci of the same chromosome or different chromosome but both the genes independently show the same phenotype. अब देखो duplicating genes वैसे genes को बोलते हैं जो कि सेम क्रोमोजोम या डिफरेंट क्रोमोजोम के डिफरेंट लोकस पे लोकेटेड हो, और दोनों जो जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली हो, एक्सप्रेस करें, और लेकिन फिनोटाइप सेम हो. एज फॉर एग्जांपल फ्रूट कलर इन कैप्सुला बर्सा, फ्रूट कलर इन कैप्सुला बर्सा, फ्रूट सेप इन कैप्सुला बर्सा, ट्रायंगुलर एंड इलोंगेटेड,
Triangular is in dominant form and elongated is in recessive form. T and D. T and D are the genes which express T, yet suppose T and D are the genes which express the same phenotype triangular shape. T and D express the same phenotype triangular shape of the fruit Capsella versa. And for elongated, which is in recessive form, a small t and a small d. A small t and a small d. For triangular shape, the genes are expressed as capital T, a small d. That is triangular shape. Capital T, a small d. That is triangular shape because T is in dominant form. A small t. Capital D, triangular shape. A small t. Capital D, triangular shape. But this condition is set type. A small t and a small d, this is the elongated. This one is the elongated. This is the condition for the genes for triangular shape. That means only one condition is possible. Both the genes are in dominant form. यदि दोनों genes dominant form में हों, तब जो है वो ट्रायंगल शेप को एक्सप्रेस करेंगे. कैपिटल टी स्मॉल डी डोमिनेंट फॉर्म में टी है ट्रायंगल शेप. मतलब यहाँ आप देखो बोथ द जीन्स इंडिपेंडेंटली शो द सेम फिनोटाइप. जो दोनों जीन्स हैं इंडिपेंडेंटली जो है अपना सेम फिनोटाइप ट्रायंगल शेप को एक्सप्रेस करते हैं. यदि आप इस तरह से भी लिखते हो कैपिटल टी, ये भी ट्रायंगल शेप, दोनों डोमिनेंट फॉर्म है और दोनों जो है ट्रायंगल शेप को ही एक्सप्रेस करेंगे. फॉर F1 जनरेशन parents capital T, we take the parents in dominant form capital T, a small d. Both the genes are in triangular form. Gametes, four gametes are formed and all are in capital T, a small d. Here also four gametes are formed, a small t, capital D. These four gametes are formed. 16 offsprings are formed, capital T, a small d, that is triangular shape. Capital T, a small d, triangular shape. Both the genes are in dominant form and expresses the same phenotype, triangular. For F2 generation, F1 is in selfing.
gametes. We plot the Punnett square. Four gametes. What are these? Capital T, capital D, capital T, a small d, capital T, sorry, a small t, capital T, a small t, a small d. यहां भी वही gametes बनेंगे. ये देखो कैपिटल टी कैपिटल डी उसको आप कंप्लीट कर सकते हो. Triangle. Both the genes are in dominant form. Triangle, 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 triangle. यहाँ D recessive form है लेकिन T जो है dominant form है इसलिए triangle होगा. यहाँ T रिसेसिव फॉर्म में है लेकिन D जो है डोमिनेंट फॉर्म में है. हमने देखा था कि T और D जो जीन्स थे वो ट्रायंगल को एक्सप्रेस ट्रायंगल फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे थे और D जो है यहाँ डोमिनेंट फॉर्म में है इसीलिए इसका फिनोटाइप जो है वो ट्रायंगल ही होगा. So, what is the phenotypic ratio of duplicating genes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That is 15:1. What is the phenotypic ratio of duplicating genes? 15:1. 15:1. 15 जो है triangle and 1 elongated. इसको ये F2 generation का phenotypic ratio. इसको आप ऐसे भी बाय ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते थे. यदि आप ये पुनेट स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर पाते आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बाय ट्रिक भी डुप्लीकेटिंग जीन्स का निकाल सकते हो. डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:1. ये जो है डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो है. 9 जो था वो क्या एक्सप्रेस करता था? डाई हाइब्रिड रेशियो आपने लिया था डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में 9:3:1. यहाँ पे आप देखते हो 9 जो जीन्स हैं आपके इस फॉर्म में आएंगे जिसमें टी जो है वो कैपिटल फॉर्म है. टी कैपिटल फॉर्म है और डी जो है आपका डोमिनेंट या रिसेसिव किसी फॉर्म में आ सकता है. 3 जो जीन्स थे आपके वो इन तीनों को आप प्लस कर दो. 3 तरह के जीन्स आपने देखा था यहाँ पे. ये जितने भी जीन्स है इस तरह के बस एक जो है सिंगल 1 ये बस रिसेसिव फॉर्म में आता था.
ये बस रिसेसिव फॉर्म में आता था और बाकी जो तीन आपके थे ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर। यदि आपको डाई हैबिट याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ। डाई हैबिट कोर्स में आपने देखा था 9 टॉप ब्रश पर्पल, 3 टॉप ब्रश व्हाइट, 3 शॉर्ट ब्रश पर्पल एंड 1 शॉर्ट ब्रश पर्पल। तो बस ये 1 जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है जिसको आपने इलोंगेटेड कहा। डुप्लीकेटिंग जीन्स के लिए बस 15:1 आया है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। बस 1 जो है ये आपका रिसेसिव फॉर्म में है जिसको आपने इलोंगेटेड शेप बताया है। बाकी जितने भी हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में थे जिसको आपने ट्रायंगुलर शेप दिया, ट्रायंगुलर फिनोटाइप बताया है। तो ये देखो 9 + 3 + 3 दैट इज 15, 9 + 3 + 3 = 15। ये आप डाई हैबिट से भी बाय ट्रिक निकाल सकते हो क्योंकि आपने देखा कि डुप्लीकेटिंग जीन्स में जितने भी जो फिनोटाइप्स थे, जितने भी फिनोटाइप्स थे वो जीन्स भले ही डिफरेंट हो, डिफरेंट लोकस पे हो, लेकिन वो अपना सेम फिनोटाइप ट्रायंगल शेप को ही एक्सप्रेस करते थे। दैट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इज 15:1।